सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैंने लाइट मोशन से स्टेटस कैसे क्रिएट करना है इसे एक्सप्लेन किया है। मीन्स अगर आप बिल्कुल न्यू यूज़र भी हो ना लाइट मोशन के, फिर भी आप अच्छा स्टेटस क्रिएट कर पाओगे अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लेते हो, ठीक है। तो कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको इस वीडियो में कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि हमें कैसे स्टेटस को क्रिएट करना होता है। तो सबसे पहले तो हमें अपने अलाइट मोशन को ओपन कर लेना होगा एंड यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट बनाना होगा। तो प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें सिंपली सा इस पर क्लिक करना है, देन उसके बाद आपको यहाँ पे कोई सा भी एक रेशियो सेलेक्ट कर लेना होगा, देन रेजोल्यूशन। तो अगर आपका मोबाइल थोड़ा सा लो क्वालिटी का है देन आप इसे 720 में सेलेक्ट करके यूज कर सकते हो, लैग नहीं करेगा आपका मोबाइल में, ठीक है। देन उसके बाद भी आप यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हो। तो कलर यार उतना मायने हमारे लिए नहीं रखता है क्योंकि हम तो अपने फोटोज इसमें ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो सिंपली सा उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना होगा जिससे कि आप अपना प्रोजेक्ट में आ जाओगे। देन उसके बाद आपको यहाँ पे फोटोज ऐड करने होंगे एंड म्यूजिक ऐड करना होगा, तभी ना हम स्टेटस को बना पाएंगे। तो उसे ऐड करने के लिए सिंपली सा हमें इस पर क्लिक करना है, देन मीडिया पर जाना है और यहाँ से हम फोटोज इसमें ऐड कर सकते हैं। बट यहाँ पर यार 3-4 फोटो दिखा रहा है, तो सभी फोटोज देखने के लिए आपको यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर देना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे सारे इमेजेस जो भी आपके गैलरी में होंगे वो दिखाएगा। बट मैं 4 इमेजेस अभी सेलेक्ट कर ले रहा हूँ क्योंकि, तो 4 इमेजेस सेलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा ना, आपको मीन्स लॉन्ग प्रेस करना होगा। किसी भी एक इमेज पे लॉन्ग प्रेस करो एंड उसके बाद चारों इमेजेस को सेलेक्ट कर लो, वरना एक एक करके होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे जो फोटो है ना वो अच्छे तरीके से एडजस्ट नहीं हुआ है, मीन्स इधर देख सकते हो व्हाइट वाला है ही। तो क्या करना होगा, सिंपली से हमें फोटो पे क्लिक करना होगा, 3 डॉट पे क्लिक करना होगा एंड उसके बाद फिल कॉम्पोजिशन एरिया पे हमें क्लिक कर देना है जिससे कि एडजस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आपको सारे इमेजेस में कर लेना है। तो सारे इमेजेस में जब ये हो जाए उसके बाद आपको यहाँ पे एक म्यूजिक ऐड करना होगा। म्यूजिक ऐड करने के लिए सिंपली से आपको इस पे क्लिक कर देना है, देन म्यूजिक पे क्लिक करना है और यहाँ से आप कोई सा भी म्यूजिक ऐड कर पाओगे। तो अपने म्यूजिक को सेलेक्ट कर लेना, कोई सा भी म्यूजिक सेलेक्ट कर लेने के बाद मीन्स जिस म्यूजिक पे आप अपना स्टेटस बनाने वाले हो उसे सेलेक्ट कर लेना। और उसके बाद क्या करना होगा, आपको अपने फोटोज में ना या तो एक शेक इफेक्ट होता है उसे ऐड करना होगा या तो ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड करना होगा जिससे कि आपका स्टेटस बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे मैं आपको कुछ बेसिक चीजें सिखा देना चाहता हूँ। अगर मान लो आपको ये जो फोटो है उसे इतना पूरा टाइमिंग तक नहीं रखना है, थोड़ा सा कट करना है, तो आप बोलोगे यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसे मैं ऐसे करूँगा और इस तरह करके कट कर लूँगा। बट ये जो तरीका है ना, इससे क्या होगा कि आप पूरा एक्यूरेट नहीं कर पाओगे। तो एक्यूरेटली करने के लिए क्या करना होगा, सिंपली से आपको जहाँ पे भी इसे कट करना है इमेज को सेलेक्ट करना एंड इसे क्लिक करके आप कट कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद अगर आपको ये इमेज को थोड़ा टाइम तक मीन्स आगे लेके जाना है तो क्या करना होगा, इस पर क्लिक करो एंड जितना आगे तक लेके जाना है वहाँ तक जाके इस पर क्लिक कर देना, हमारा ये इमेज जो होगा वो आगे तक आ जाएगा, ठीक है। तो ये थे कुछ हमारे बेसिक चीज़ें। देन उसके बाद इसमें आपको ट्रांजिशन ऐड करना है, तो ट्रांजिशन एंड शेक इफेक्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आने वाला है। और यहाँ पे वेरीफाइंग लिंक होगा, उसके बाद बोलेगा कि इंपोर्ट करने, तो इंपोर्ट पे आपके सिंपली से क्लिक कर देना होगा जिससे कि आपका ये प्रीसेट अलाइट मोशन में इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको 30 शेक इफेक्ट मिलने वाले हैं। तो कोई सा भी शेक इफेक्ट यहाँ से आप कॉपी कर लेना। तो कॉपी करने के लिए क्या करना होगा, जिस भी इमेज का आपको शेक इफेक्ट कॉपी करना है उस इमेज पे क्लिक करना होगा, देन इफेक्ट पे जाना होगा और यहाँ पे 3 डॉट मिलेगा, इस पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद अपने पुराने वाले प्रोजेक्ट में आ जाना, मीन्स जहाँ पर आप अपना स्टेटस क्रिएट कर पा रहे होगे तो उस पर इंटर हो जाना है और इसमें इमेज को क्लिक करना है एंड वहाँ से इफेक्ट को क्लिक करके 3 डॉट पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है, जिससे कि आपका शेक इफेक्ट इसमें ऐड हो जाएगा। यहाँ से आपको प्ले करके दिखा दे रहा हूँ कि हमारा शेक इफेक्ट ऐड हुआ या नहीं, ठीक है। इस तरीके से आपका शेक इफेक्ट एक में ऐड होगा, इसी तरीके से आपको सभी में ऐड कर लेना है। सिंपली से क्या करना होगा, आपको इमेज पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, देन
थ्री डॉट पे और फिर पेस्ट इफेक्ट पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। एंड सेकेंड जो तरीका है वो ये है कि आप इसमें ट्रांजिशन ऐड करो, ठीक है। तो ट्रांजिशन का भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करना एंड आपका अलाइट मोशन में ये भी इंटर हो जाएगा। सिंपली से थोड़ा सा प्रोसेसिंग करेगा, उसके बाद वेरीफाइंग लिंक एंड उसके बाद इसे आप इम्पोर्ट कर पाओगे। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा ये जो ट्रांजिशन इफेक्ट है वो भी ऐड हो चुका है। तो इसे भी क्या करना होगा, सिंपली से उसी तरीके से क्लिक करना है, थ्री डॉट्स पे जाना है और यहाँ से कॉपी इफेक्ट को कर लेना है एंड अपने अपने स्टेटस में आना है और ट्रांजिशन को अब अपने इफेक्ट को मीन्स फोटो पे कैसे ऐड करना है इस पर क्लिक करना होगा अपने फोटो पे। एंड उसी तरीके से आपको इफेक्ट पे जाके थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट कर देना, जिससे कि आपका ये हो जाएगा। देन उसके बाद जब इस तरीके से करके आप स्टेटस बना लो तो आपको सिंपली सा इस पर क्लिक करना होगा एंड यहाँ से आप अपना एक्सपोर्ट कर सकोगे। एक्सपोर्ट पे क्लिक करके अगर आपको रेजुलेशन सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे आपको क्लिक करके रेजुलेशन भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। इस तरीके से आप जो अलाइट मोशन में स्टेटस क्रिएट कर सकते हो एंड यार ये बहुत ही आसान है और इसी तरीके से ज़्यादा अच्छा है। मीन्स अगर आप खुद से सोचोगे ना कि सारा चीज़ बनाऊँ मैं और ये सब करूँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, ठीक है, और सीखने में भी काफ़ी टाइम लगेगा। तो प्रीसेट यूज़ किया करो जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।